पहला, व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। दूसरा, हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है, इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। तीसरा, व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। चौथा, हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। पांचवा, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।